ही इज़ फैमिली मेंबर ये सही है या ही इज मबर ऑफ माई फैमिली ये सही है आई लेफ्ट द स्कूल बैग एंड बैगेज या आई लेफ्ट द स्कूल विथ बैग एंड बैगेज इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है आई एम गिविंग एग्जामिनेशन आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है ऐसे कम से कम सौ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक बेहतरीन इंग्लिश का सेंटेंस किस तरीके से लिखा जा सकता है जिसमें जरा सी भी गलती ना हो आप जानना चाहते हैं इतमिन से आप इस वीडियो को पूरा देखिए मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पे कहीं मत जाइए बने रहिए और मैं मेरी जिद है कि मैं आपको एक बेहतर अंग्रेजी का सेंटेंस सिखा सकूँ आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और शुरू से अंत तक देखिए आइए चलते हैं और सीखते हैं सौ एग्जाम्पल के माध्यम से कि सेंटेंस में कौन कौन सी हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उसका सही आंसर क्या होगा? मैं मैं हूं, आपका दोस्त सूरज वर्मा और हाजिर हूं सौ ऐसे एग्जांपल्स लेकर के जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस आए दिन जो हम बोलते हैं उसमें क्या गलतियां होती हैं और उस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होता है इसको सीख करके हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं आइए मैं शुरू करता हूँ बिना किसी इंट्रोडक्शन के और बात करता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर वन से जो एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस है ही इज फेल इन मैथमेटिक्स इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो गलती है उसका करेक्ट आंसर है ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स और ये पूछिए क्यों क्योंकि वो फेल हो चुका है वो ये काम बीत चुका है इसलिए पास्ट डेफिनेट टेंस होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी ही इज फेल नहीं होता है बल्कि ही फेल्ड होता है दूसरा है सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है वी रीच्ड सेफली हम आराम से पहुंच गए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वी रीच्ड सेफ यानी कि सेफली की जगह यहाँ पे सेफ का प्रयोग किया जाएगा कोई असुविधा तो नहीं हो रही आपको सेफली की जगह आप यहाँ पे सेफ का प्रयोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन है ही बिकेम अ रिच मैन बाई एंड बाई मतलब वो धीरे धीरे अमीर आदमी बना तो इसका सही आंसर होगा ही बिकेम अ रिच मैन इन कोर्स ऑफ टाइम आप यहाँ पे नोट करिए इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक है अगला सेंटेंस है आई विल रिटर्न जस्ट नाउ मैं अभी लौट आऊँगा तो जस्ट नाउ को हम अगर कभी इस तरह सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं उसकी जगह प्रेजेंटली वर्ड यूज होता है और सेंटेंस करेक्ट होगा आई विल रिटर्न प्रजेंटली कोई असुविधा तो नहीं हो रही आपको नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस है आई विल वेट अनटिल यू डू नॉट कम अंटिल जो वर्ड होता है ना ये ऑलरेडी निगेटिव का सेंस देता है तो जिस सेंटेंस में अनटिल यूज होता है उसमें हम नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं यानी अनटिल के साथ डू नाट का यूज नहीं होगा इसका करेक्ट होगा आई विल वेट अनटिल यू कम यहाँ पर क्या होगा डू नाट हट जाएगा अंटिल यू कम हो जाएगा ठीक है अगला देखें समन कुड नाट बी ईश्यूड समन जानते हैं समन जो है जो अदालत के द्वारा जो एक आ, सूचना जो है जारी होती है कन्विक्ट के पास या जो लोग मुलजिम होते हैं उनके पास समन मान्य होता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना तो समन जो है उसको कभी भी समन नहीं लिखते उसको समन्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो समन की जगह आपका हो जाएगा समन्स समन की जगह क्या हो जाएगा समन्स हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जो लिखा हुआ है समन यहाँ पे हो जाएगा समन्स आइए अगला देखते हैं ये आपका है इनकरेक्ट है ही नीड्स नाट वरी ही नीड्स नाट वरी जो अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे देखने के इसका मतलब है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है बल्कि ये नीड्स नाट नहीं बल्कि उसकी जगह हम नीड नाट का प्रयोग करते हैं ये नीड नाट वर्ड जो है यूज किया जाता है तो आप यहाँ पे समझें आप कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीड्स नाट उसकी जगह ये होगा नीड नाट क्या होगा यहाँ पर आपका ये नीड नाट होगा आगे देखिए वट न्यूज ऑफ टूडे फ्रेश न्यूज What इज़ द फ्रेश न्यूज ऑफ़ today जो है तो फ्रेश न्यूज़ की जगह आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और ये हो जाएगा What इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ़ टुडे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया फ्रेश न्यूज़ की जगह क्या हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ ये जो लेटेस्ट है ये हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ ठीक है अगला हम देखते हैं आई हैव to आस्क यू सॉरी आई हैव समिंग टू आस्क फ्राम यू आई हैव समथिंग टू आस्क फ्राम यू ये जो लिखा है आई हैव समथिंग टू आस्क फ्राम यू तो यहाँ पर क्या होता है आस्क के साथ कोई प्रिपोजिशन उस तरह से हम यूज नहीं करते हैं और सीधे हम लिख देते हैं आस्क यू है ना ये हो जाएगा आई हैव समथिंग टू आस्क यू अगला देखते हैं द सेटेलाइट हैज़ बीन सेंट टू स्पेस कि सेटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया भेजा जा चुका है तो कभी भी सेंट टू स्पेस नहीं होता है जो सेटेलाइट होती है वो लॉन्च होती है तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे लॉन्च वर्ड का यहाँ पे यूज कर दिया जाएगा ये हो जाएगा लांच्ड है ना सेंट टू जो इस्पेस था ये इसकी जगह आपने क्या लिख दिया लॉन्च लिख दिया ठीक है ग्यारहवा क्वेश्चन है मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर मोहन इंसस्टेड टू गो देयर को यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू गो देयर अगर कहेंगे तो इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन होता है और जब उसमें हम इंसिस्टेड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और यहाँ पे हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर क्या हो जाएगा मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर ठीक है आगे है द ट्रेन लेफ्ट एट थ्री ओ क्लाक ट्रेन लेफ्ट एट थ्री ओ क्लाक तो ट्रेन जो हम लेफ़्ट जो होता है हम लेफ़्ट वर्ड नहीं यूज करते हम उसकी जगह ये डिपार्टेड वर्ड यूज करते हैं तो हम लिखेंगे द ट्रेन डिपार्टेड एट थ्री ओ क्लाक कोई असुविधा तो नहीं होनी चाहिए आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं अपनी बात कह रहा हूँ और अगला है ड्यू टू इलनेस आई कुड नाट गो टू कॉलेज बीमारी के चलते मैं कॉलेज नहीं जा सकता था तो जब ड्यू टू इलनेस की जब वो कुछ सी बीमारी की हम बात करते हैं तो हमेशा एक वर्ड होता है ओ डब्ल्यू ई ओ माने होता है रखना या होना जब व्यक्ति के पास होता है तो ओ में हम आईएनजी लगाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ओइंग टू ये हो जाएगा ओइंग टू इलनेस आई कुड नॉट आई कुड नॉट गो टू कॉलेज समझ रहे हैं कोई असुविधा तो नहीं हो रही है तो हो जाएगा ओइंग टू illness आई कुड not गो टू कॉलेज अगला सेंटेंस है आई विल रीच आई विल टीच यू रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिस आई विल टीच यू रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिस मैं आपको पढ़ अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। तो इसको हम ऐसे कहें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेज़ी पढ़ा और लिखा जाता है तो इसका एग्जाम इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई विल टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है रीड एंड राइट को आप अंडरलाइन कर लीजिए आई विल टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट अगला अगर हम बात करेंगे यह है मोहन एंड सोहन आर फास्ट एंड मोहन और सोहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं तो फास्ट एनिमीज नहीं बल्कि फास्ट फ्रेंड होते हैं है ना तो इसलिए फास्ट एनिमीज की जगह फास्ट की जगह एक वर्ड होता है स्वर्ण स्वियर का सेकेंड फार्म होता है स्वर्ण स्वियर मतलब होता है कसम खाना सौगंध खाना यानी उनके बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और ये गारंटी के साथ कही जा रही है बात ठीक है तो ये होगा मोहन एंड सोहन आर स्वर्न एनमीज है ना सोर एनमीज़ अभी देखते हैं ना कि जब कोई मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ किया जाता है स्वीयर इन है ना तो अगला हम सेंटेंस देखते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर है इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई सो यह पहला समय है जब मैं मैंने ऐसा कहा है तो इट नहीं होता है बल्कि उसके जगह हम यूज किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करते हैं तो यूज करते हैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सेड सो ये पहला समय है जब मैंने यहाँ पे कहा है यानी इट की जगह आपको दिस का यूज करना पड़ेगा आप नोट कर लीजिए प्लीज डू द नीडफुल एंड ऑबलाइज ये 99 परसेंट अक्सर मैं देखता हूँ अप्लीकेशन में भी हम लिखते हैं गलत होता है इवन बड़े बड़े प्रिंसिपल लोग जब सी को या कहीं अपना बॉडी किसी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं तो ये कॉमन वर्ड है प्लीज़ डू द नीडफुल एंड ऑबलाइज जबकि ये सेंटेंस गलत है वहाँ पे होना चाहिए मतलब कि ये है कि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करके हमें कृतार्थ करें ये इसकी हिंदी होती है तो इसको हम कहते हैं डू द जो नीडफुल है तो नीडफुल की जगह हम यूज करते हैं व्हाट इज़ नेसेसरी एकदम आप इसको नोट करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ नीडफुल की जगह यूज़ करेंगे व्हाट इज़ नेसेसरी है ना प्लीज़ डू व्हाट इज़ नेसेसरी एंड ओबलाइज अक्सर लोग ओबलाइज में जी की जगह जेट का यूज़ करते हैं जो कि गलत है एटीन नंबर है हिज ग्रैंड मदर इज़ डायड हिज ग्रैंड मदर इज़ डाइड उसकी दादी माँ मर गई हैं नॉर्मली ये सेंटेंस यूज होता है और चूँकि जो मर गई हैं वो हमारा बीत चुका है है ना तो वहाँ पे हम डाइट नहीं यूज करते मरना जो है एक कॉमन जो यहाँ पे नाउन है यहाँ पे डाइट की जगह डेड यूज होगा हिज ग्रैंड मदर इज डेड ठीक है अब यहाँ पे है सचिन इज गुड इन इंग्लिश सचिन अंग्रेजी में बहुत अच्छा है मैं आपको बताऊँ जब किसी पर्टिकुलर की बात होती है तो पोजिशन वहाँ पर यूज होता है जैसे मैं प्लेटफार्म पर हूँ आई एम मैं प्लेटफॉर्म नंबर पाँच पर हूँ आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर फाइव यानी जब पर्टिकुलर की बात होती है तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट पर्टिकुलर है इसलिए इनकी जगह यहाँ पे ऐट का प्रयोग होगा और सेंटेंस होगा सचिन इज गुड एट इंग्लिश ठीक है अगला सेंटेंस है माई डियर रेस्पेक्टेड टीचर यू आर रियली ग्रेट माई डियर रेस्पेक्टेड टीचर यू आर रियली ग्रेट अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टीचर है उसके साथ हम दो दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं एक डियर यूज कर रहे हैं और एक रिस्पेक्टेड यूज कर रहे हैं अगर डियर जो है वो जाहिर सी बात है रिस्पेक्टेड होगा तो दोनों में से किसी एक का यूज करें रिस्पेक्टेड तो कॉमन हो गया क्योंकि टीचर के साथ रिस्पेक्टेड शब्द जुड़ा हुआ होता है वो जो हिडन होता है तो हम लिखेंगे माई डियर टीचर यू आर रियली ग्रेट यानी रिस्पेक्टेड वर्ड वहाँ से हट जाएगा अब है सेंड योर रिप्लाई बाई रिटर्न पोस्ट देखिए कि अपना जवाब जो है रिटर्न पोस्ट से भेज दीजिएगा अगर हम इसको देखें तो होगा सेंड योर सेंड योर रिप्लाई बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट रिटर्न पोस्ट नहीं रिटर्न ऑफ पोस्ट आप इसको नोट करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंड योर रिप्लाई बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट क्लियर अगला है ही इज़ अ नोटेड डकैत है ना अक्सर नोटेड जो वर्ड होता है वो, वो नोटेड का मतलब होता है पॉपुलर और नोटेड हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है तो नोटेड की जगह अगर डकैत के वर्ड के साथ नोटेड नहीं आएगा जैसे कहेंगे ही इज़ अ नोटेड पोलिटिशियन ही इज़ नोटेड साइंटिस्ट लेकिन डकैत के साथ नोटेड की जगह नोटोरियस वर्ड यूज होता है आगे आप देखेंगे ही इज़ अ नोटोरियस डकैत तेसवा क्वेश्चन है इट वाज़ वेरी वंडरफुल वेरी वंडरफुल गलत होता है उसकी वेरी की जगह हम रियली really यूज करेंगे और सेंटेंस होगा इट वाज रियली वंडरफुल अगला है सेंड दिस लेटर इन सेंड दिस एड्रेस इन माय एड्रेस है ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती है uh, टाइपिंग मिस्टेक है सेंड दिस लेटर इन माय एड्रेस मेरे पते पे भेज दीजिए तो यहाँ पे इन की जगह हो जाएगा टू क्योंकि वहाँ पे डेस्टिनेशन की बात हो रही है डेस्टिनेशन के सेंस में हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं होगा सेंड दिस लेटर टू माय एड्रेस है ना आगे सेंटेंस है आई हैव सीन हिम टुडे मॉर्निंग टुडे मॉर्निंग अक्सर लोग यूज करते हैं टुडे मॉर्निंग टुडे मॉर्निंग का मतलब आज की तो टूडे की जगह हम यहाँ पर दिस का यूज कर देंगे आई हैव सीन हिम दिस मॉर्निंग ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव सीन हिम दिस मॉर्निंग ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है द पुलिस इज लुकिंग फॉर द थीफ पुलिस जो है चोर को ढूंढ रही है लुकिंग फॉर जो है मतलब होता है ढूंढना या खोजना इन सर्च ऑफ अब यहाँ पे जो पुलिस है ये हमारा प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे इज की जगह आर का प्रियो होगा द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ है ना अब यहाँ पे सेंटेंस है ही सेड अ लॉट ऑफ़ लाई ही सेड अ लॉट ऑफ लाई सेड का मतलब होता है कहना है ना और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना व्यक्ति झूठ बोलता है तो किसी पर्सन को एड्रेस करता है तो यहाँ पे सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा ही टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज ट्वेंटी एट क्वेश्चन है फर्स्ट आई टोल्ड हिम अबाउट हिज इशू है ना? फर्स्ट वर्ड कभी भी यूज नहीं होता अक्सर लोग फर्स्टली वर्ड भी यूज करते हैं है ना तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह एट फर्स्ट आएगा आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए फर्स्ट वर्ड हमेशा कभी नहीं लिखते फर्स्ट के साथ एट फर्स्ट आता है होगा एट फर्स्ट आई टोल्ड हिम अबाउट हिज इशू अगला है डू नॉट इंटरफियर इन दिस मैटर इस मैटर में इंटरफियर मत करिए तो आपको जान जानकारी के लिए बता दूँ इंटरफियर के साथ हमेशा सा विद नाम का प्रीपोजिशन यूज होता है डो नॉट इंटरफियर इन इन दिस मैटर तो यहाँ पे होगा डो नॉट इंटरफियर विद यहाँ पर सॉरी माई आ गया है तो यहाँ पर दिस नहीं बल्कि यहाँ पर दिस लग सकता है डो नॉट इंटरफियर विद दिस मैटर है ना आप क्या है इनकी जगह विथ का यूज करेंगे और जो दिस है उसकी जगह दिस ही रहेगा यहाँ पर त्रुटी तो बस माई आ गया है क्षमा चाहूँगा इसके लिए डो नॉट इंटरफियर विद दिस दिस मैटर दिस मैटर ठीक है हाँ वर्क आ गया है आई बिलीव यू आर बेटर नाउ आई बिलीव यू आर बेटर नाउ कभी बिलीव नहीं बिली मतलब होता है विश्वास करना मैं विश्वास करता हूँ कि आप ठीक हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ बल्कि मैं आशा करता हूँ आई होप और फिर लगाएंगे दैट आई होप दैट यू आर बेटर नाउ आई बिलीव की जगह होगा बिली मतलब विश्वास विश्वास का मतलब किसी मत में विश्वास करना किसी प्रिंसिपल्स में विश्वास करना और यहाँ पे सेहत की बात की जा रही है तो यहाँ पे होप यानी आप उसे अपेक्षा कर सकते हैं अगला है आई वांट अ फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर आई वांट अ फ्रेश बास्केट ऑफ फाल कहने का मतलब तो आपका ये होगा कि मैं फ्रेश फूलों की एक बास्केट चाहता हूँ लेकिन आपका सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं एक बाल मैं फूलों की एक बास्केट चाहता हूँ जो फ्रेश हो यानी फूल फ्रेश नहीं है बास्केट फ्रेश है और सेंटेंस में ये होना चाहिए कि मुझे एक ऐसी बास्केट चाहिए जिसमें फ्रेश फूल हो, तो वो जो फ्रेश है उसको कर देंगे हम फ्लावर के पहले और होगा आई वांट अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स आई वांट अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स इज़ दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं थर्टी टू है इनकरेक्ट सेंटेंस है आई विल गिव माई टेस्ट टूमारो मैंने अभी आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि मैं आज टेस्ट दूंगा अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम गिव एग्जाम नहीं होता है टेक एग्ज़ाम होता है लिखेंगे आई विल आई विल टेक माई टेस्ट टमोरो ठीक है आई विल टेस्ट टेक माई टेस्ट टमोारो फिर है आई नीड अ हाउस टू लिव है हाँ ना मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए तो घर में रहने के लिए मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए तो घर में रहा जाता है तो लिव के बाद हम इन लगाएंगे आई नीड अ हाउस टू लिव इन ध्यान दीजिए जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज़ पिक अप माई फ़ोन तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है प्लीज़ पिक माई फ़ोन अप प्लीज़ स्विच द फ़ोन ऑफ प्लीज़ स्विच ऑफ़ द फ़ोन नहीं प्लीज़ स्विच द फ़ोन ऑफ यहाँ पे होगा आई नीड अ हाउस टू लिव इन है ना मुझे रहने के लिए घर चाहिए थर्टी फोर में आते हैं आई वांट अ पेन टू राइट फिर देखिए वही है आई वांट टू पेन आई वॉन्ट अ पेन टू राइट तो यहाँ पे होगा आई वांट अ पेन टू राइट विद यहाँ पे क्या होगा राइट के बाद विद लगेगा फिर है थर्टी फाइव माई हेयर्स आर ब्लैक ध्यान दीजिए हेयर्स कभी नहीं होता हेयर्स की जगह हेयर होता है और हम हमेशा सिंगुलर में उसके साथ इज लगाते हैं सेंटेंस होगा माई हेयर इज़ ब्लैक अगला है आई एम टू हैप्पी टू सी यू मैं आपको देख कर के बहुत खुश हूँ हालांकि यहाँ पे टू और टू जब दो बार आता है तो उसका अर्थ होता है सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट सी यू है ना मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको देख नहीं सकता तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो यहाँ पे होगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू या यहाँ पे और लिख सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी यू ठीक है आई एम टू आई एम टू हैप्पी टू सी यू का होगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ठीक है थर्टी सेवन में आते हैं लॉ एंड आर्डर हैव टू बी मेंटेन्ड अब यहाँ पे लॉ एंड आर्डर जो है ना एक पेयर का, का काम करता है और जब पेयर एक साथ होता है तो कलेक्टिव नाउन होकर के सिंगुलर उसके साथ वर्ब लगती है तो होगा लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड अच्छा आगे देखिए ही इन्वाइटेड मी ऑन टी ही इन्वाइट उसने मुझे चाय पर बुलाया ही तो होगा ही इन्वाइटेड मी टू टी है ना ऑन की जगह क्या होगा टू होगा ही इन्वाइट मी टू टी अगला है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट कॉस्ट नहीं बल्कि वहाँ पे हम उसका प्राइस वर्ड यूज करते हैं और होगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस शर्ट अगला है आई लेफ्ट द स्कूल विद बैग एंड बैगेज बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेट करके मैंने स्कूल छोड़ दिया तो इसके साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नाम का प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है होगा आई लेफ्ट द स्कूल बैग एंड बैगेज वी वेंट टू स्कूल बाई फूट फोर्टी वन नंबर का इनकरेक्ट सेंटेंस है वी वेंट टू स्कूल बाई फूट बाई फूट नहीं होता बल्कि ऑन फूट होता है और सेंटेंस होगा वी वेंट टू स्कूल ऑन फूट ठीक है अगला है फोर्टी टू यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी लेट है ना यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी लेट यानी आपको देर आने का कोई भी एक्सक्यूज आपके पास नहीं है तो सेंटेंस होगा आ, आ, बी जो होगा वहाँ पे बींग हो जाएगा और उसके पहले फॉर लगेगा यू हैव नो एक्सक्यूज फॉर बींग लेट फॉर बींग लेट ध्यान दीजिएगा यू हैव नो एक्सक्यूज फॉर बींग लेट अगला हम बताते हैं आई हैव मनी वर्क टू डू ऑन मंडे मंडे को करने के लिए मेरे पास बहुत काम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आ, 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 यहाँ पे क्या होगा मनी वर्कस को बल्कि नहीं करेंगे मैने की जगह मच वर्ड यूज होगा आई हैव मच वर्क टू डू ऑन मंडे ठीक है ही सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश उसने इंग्लिश में पासिंग मार्क यूज किया 99 परसेंट लोग बोलते हैं पासिंग मार्क पासिंग मार्क से वर्ड गलत है पासिंग मार्क की जगह पास मार्क्स आता है आप अंडरलाइन करिएगा ये बोर्ड में अक्सर जो एन डी ए के सी डी एस के एग्जाम्स होते हैं अक्सर पी जी टी टी जी टी के जो ग्रामर के पोर्सन होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है ही सिक्योर्ड पास मार्क्स इन इंग्लिश आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पे प्लीज़ गिव मी अ फाइव रुपीज नोट मुझे पाँच रुपये का नोट दीजिए तो यहाँ पे देखिए फाइव रुपीज़ जो है ना पाँच रुपये का एक सिंगल नोट होगा तो रुपीज नहीं होगा वहाँ पे रूपी हो जाएगा और इंडियन की जो करेंसी है इंडिया की वो है रूपी तो होगा प्लीज़ गिव मी अ फाइव रूपी नोट क्योंकि नोट जो है एक सिंगल है इसलिए वहाँ पर रूपी होगा रूपीज नहीं आप जैसे कह सकते हैं कि आई हैव फाइव रुपीज़ मेरे पास पाँच रुपए हैं जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव पाँच बार काउंट किए आप ठीक है और फाइव रुपी का एक सिंगल नोट होगा तो वहाँ पे रूपी हो जाएगा अगला हम देखते हैं फोर्टी सिक्स पे कहता है आई लाइक द पोट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्स है ना मुझे विलियम वर्ड्स की कविताएँ है, पसंद हैं तो पोइटरीज कभी नहीं होता है पोइटरीज से वर्ड जो गलत है पोइट्रीज की जगह हम पोएट्री वर्ड यूज करते हैं पोएट्री मीन्स द कलेक्शन ऑफ पोएम्स आई लाइक द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्स वर्थ फोर्टी सेवन है प्लीज गिव की टू योर वॉच कृपया अपने चाबी में घड़ी लगा दीजिए है ना अपने चाबी में थोड़ा सा आ, क्या करिए अपने सॉरी सॉरी क्षमा कीजिएगा अपने घड़ी में थोड़ा सा चाबी लगा दीजिए जब रुक जाती है तो है ना? तो वहाँ पे गिव की नहीं होता है वहाँ पे जो है वाइंड अप होता है प्लीज़ वाइंड अप योर वॉच प्लीज़ वाइंड अप योर वॉच अगला है 48 एट सेंटेंस है आई प्रीफर काफ़ी दैन टी मैं आपको बताऊं कि जब कभी प्रेफर वर्ड यूज होता है तो उसके साथ जो है दैन नहीं लगता प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है जैसे जूनियर सीनियर इन्फीरियर सुपीरियर है ना जिसमें आई ओ आर आता है उसके साथ भी हम टू लगाते हैं ठीक वैसे ही प्रीफर के साथ भी हम टू लगाते हैं होगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी अगला है सदाफ़ इज़ आवर म्यूचुअल फ्रेंड सदाफ़ हमारा कामन फ्रेंड सॉरी म्यूचुअल फ्रेंड है तो दो लोगों के बीच में जो मु, जो होते हैं उसे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं उसे कामन फ्रेंड बोलते हैं सदाफ़ इज आवर कामन फ्रेंड आइए हम सप्ताह की ओर पहुंच रहे हैं इतमिन से पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा हमारी जिद है कि आपको एक बेहतर अंग्रेजी का सेंटेंस जो है लिखना और पढ़ना बोलना सिखा सकूं तो मेरी जिद को अपनी शौक बनाते हुए मेरे साथ आप भी सीखिए से सेंटेंस है दिस इज़ सम समाट ट्रू यह कुछ हद हाँ तक सही है सम वाट की जगह हम पार्सली वर्ड यूज करेंगे और सेंटेंस होगा दिस इज़ पार्सली ट्रू अगला देखते हैं फिफ्टी वन पे देर इज़ नो हार्म टू डू सो है ना टू डू सो नहीं होता है बल्कि इन डूइंग होता है देर इज नो हार्म इन डूइंग सो देर इज़ नो हार्म इन डूइंग सो ही गेव ए स्पीच उसने एक स्पीच दी ही गेव ए स्पीच की जगह होगा गेव की जगह मेड होगा ही मेड अ इस्पीच और आगे फिफ्टी थ्री एकदम कामन सेंटेंस जिसको नाइन्टी नाइन परसेंट लोग गलत बोलते हैं मिस्टर सूरज वर्मा इज़ माई इंग्लिश टीचर मेरे मिस्टर सूरज वर्मा मेरे अंग्रेजी टीचर हैं यह सेंटेंस गलत है और होगा मिस्टर सूरज वर्मा इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश है ना मे, तो मेरे जो मिस्टर सूरज वर्मा जो हैं वो मेरे अंग्रेजी के टीचर हैं यानी वो टीचर हैं मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं ही फॉर गेव मी फॉर माई फॉल्ट्स है ना फॉल्ट नहीं होता है बल्कि उसमें फॉल्ट यूज करेंगे तो वो ऑलरेडी आपका प्लूरल का सेंस और सिंगुलर दोनों का यूज करते हैं है ना तो वहाँ पे होगा ही फॉर गेव मी माई फॉल्ट <coughs> अगला है माई ब्रदर इज़ द इज़ द इन टीचिंग लाइन ना लोग कहते हैं अरे भैया वो टीचिंग लाइन है वो ड्राइवरी लाइन में है वो पुलिस विभाग में है लाइन तो लाइन नहीं होता है प्रोफेशन होता है माई ब्रदर इज़ इन द टीचिंग प्रोफेशन ठीक है फिफ्टी सिक्स पे आइए माई टीचर विल टेक माई टेस्ट टूमोरो है ना टेक नहीं होगा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे बच्चा कहता है कि मैं एग्ज़ाम दूंगा आई विल गिव और कहते हैं टीचर एग्जाम लेंगे तो टीचर विल टेक नहीं यहाँ पे उल्टा होता है टेक स्टूडेंट के साथ होता है और गिव टीचर के साथ होता है और सेंटेंस होगा माई टीचर विल गिव मी अ टेस्ट टमारो अगला है आसुतोस इज़ माई कज़न ब्रदर कज़न ऑलरेडी जो है चचेरा ममेरा फफेरा फुफेरा भाई या बहन का सेंस देता है तो आप यहाँ से ब्रदर हटा देंगे कजन लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आसुतोज इज़ माई कज़न अगला देखिए ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी फैमिली मेम्बर्स नहीं होता है मेम्बर्स ऑफ फैमिली होता है है ना तो होगा ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर हैप्पी ठीक है ही इज़ वेरी माइजर वो बहुत कंजूस है तो वहाँ पे माइजर नहीं बल्कि माइजरली यूज करते हैं ही इज़ वेरी माइज़रली ठीक अगला है सिक्सटी राम डज नाट नो स्विमिंग राम स्विमिंग नहीं जानता है बल्कि राम नहीं जानता है कि स्विमिंग कैसे की जाती है तो ऐसे सेंटेंस को हाउ टू से बनाते हैं राम डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम राम नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है सिक्सटी वन में आइए माई आल रिलेटिव्स आर वेरी हेल्पफुल है ना माई आल रिले, रिलेटिवस तो अक्सर इसमें लोग पहले माई लगाते हैं उसके बाद आल लगाते हैं आप ध्यान दीजिए आल को पहले लगाना होगा उसके बाद माई लगाना होगा है ना ऑल माई रिलेटिव आर वेरी हेल्पफुल ठीक है सिक्सटी टू में आते हैं थाउजेंड्स वर इंजर्ड इन दार वार में कोई इंजर्ड नहीं होता लोग अक्सर एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हैं वार में लोग वंडेड होते हैं इंजर्ड की जगह आप वेड यूज करेंगे थाउजेंड्स वर वेड इन दार सिक्सटी थ्री में आए देर इज नो अदर अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प वहाँ पे ऑलरेडी जो है आपने अल्टरनेटिव वर्ड यूज किया है तो अदर वर्ड वहाँ पे गलत है सीधे लिखेंगे देर इज़ नो अल्टरनेटिव ठीक है 64 में हो गया 65 में आइए ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इन इंग्लिश नहीं बल्कि जब एक्शन जब मोमेंट में होती है कोई चीज़ तो इन होता है लिखेंगे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिस यहाँ पर मैं एक और कॉमन सेंटेंस आपको बता दूँ आई एंटर्ड इन द रूम I entered into the room. I entered the room. ठीक है तो जो एंटर वर्ड है उसके साथ कोई प्रिपोजिशन वर्ड यूज नहीं होता है और आपका सेंटेंस होगा I entered the room. इज़ दैट क्लियर आगे चलते हैं सिक्सटी सिक्स में वन मस्ट डू हिज ड्यूटी वन मस्ट डू जैसे अरे भाई यू के साथ योर लगाए सी के साथ हर लगाए है ना वी के साथ आवर या अस लगाए तो वन के साथ वंस लगाइए वन, वन लिख करके पस्ट ऑफी एस लगा दीजिए वन मस्ट डू हिज ड्यूटी होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी अगला देखिए सिक्सटी सेवन में आते हैं ही कमिटेड अ ब्लेंडर मिस्टेक ब्लेंडर का मतलब ही होता है भारी गलती तो अगर आप ब्लेंडर वर्ड यूज कर रहे हैं तो मिस्टेक हटा दीजिए ही कमिटेड अ ब्लेंडर सिक्सटी एट है इन करेक्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू कट माई हेयर मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो आप लिखेंगे टू हैव माई हेयर कट होगा आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट मैं अपना बाल कटवाने जा रहा हूँ जब अक्सर काजिटिव वर्ब होती है तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट करते हैं अक्सर हम मेक वर्क का भी यूज करते हैं यहाँ पे हमने हैव का यूज किया है आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट सिक्सटी नाइन सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है माई वॉच इज़ टू मिनट बिहाइंड अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी घड़ी दो मिनट पीछे है तो बिहाइंड नहीं वहाँ पे स्लो होता है माई वॉच इज टू मिनट स्लो माई वाच इज टू मिनट्स लो इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है बस मैं यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पर डिस्कशन कर रहा हूँ अगला देखते हैं सेवेंटी पे आते हैं आई आस्ड हिम दैट वाई ही वॉज लॉफिंग अब इसको ध्यान से देखें ये आपके रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब है आप जानते हो कि जब रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच वाई से शुरू होती है तो कंजंक्शन वाई ही लगता है और और उसके साथ दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं लगता यहाँ पे हाई ऑलरेडी कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है और दैट यहाँ से हट जाएगा क्यों वैसे भी देख सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा सेट टू को हम आ, आस्ट में बदलते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है हाई लगा हुआ है तो दैट यहाँ से हटा दीजिए अक्सर लोग दैट और हवाई एक साथ लगाते हैं सेंटेंस होगा क्षमा चाहिए आई आस्ड हिम हाई ही वॉज लॉफिंग सेवेंटी वन करेक्ट सेंटेंस है ही पेज मोर अटेंशन टू हिंदी than English, है ना जैसे टू हिंदी लगाए हैं वैसे टू इंग्लिश लिख दीजिए ही पेज मोर attention टू हिंदी than टू English, है ना एक जगह एक लैंग्वेज के साथ टू लगा तो दूसरी लैंग्वेज के साथ भी टू लगेगा इट इज़ a फीमेल compartment, फीमेल compartment नहीं होता है बल्कि लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है अब ध्यान दीजिए लेडीज का यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा हुआ है ध्यान दे रहे हैं ना अब यहाँ पे लेडीज़ में यश लगा हुआ है जब कोई प्लूरल हो जिसमें यश लग कर के प्लूरल बना हो और उसका अपास्ट्रॉफी बनाना हो तो सिर्फ अपास्ट्राफी लिखते हैं वहाँ पे यश नहीं लगाते जैसे बॉयज है ना अगर हम बॉयज का प्लूरल बनाना है अपास्ट्रॉफी लिखना है पॉजिटिव लिखना है सॉरी बॉयज़ का पॉजिटिव लिखना है तो बॉयज लिख देंगे और वहाँ पर अपास्ट्रॉफी लगा देंगे तो फीमेल की जगह लेडीज़ कंपार्टमेंट हो जाएगा सेवेंटी थ्री इन करेक्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक ऑन पेज फाइव अपनी किताब का पेज नंबर फाइव खोलिए तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा वहाँ पे ऐट होगा क्योंकि पर्टिकुलर पेज नंबर फाइव की बात कर रहे हैं और ऑन की जगह ऐट वन के ऊपर सेंटेंस बनेगा ओपन योर बुक ऐट पेज फाइव अगला सेवेंटी फोर है क्लोज़ द डोर ऐट वंस दरवाज़ा बंद करो क्लोज द डोर नहीं बल्कि शट द डोर होता है शट द डोर ऐट वंस ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा अगला सेवेंटी फाइव है ही वेंट टू फॉरन वो विदेश गया फॉरन नहीं होता है फॉरन की जगह हम एब्रॉड वर्ड यूज करते हैं ही वेंट एब्रॉड फॉरन मतलब एक कॉमन वर्ड है विदेश में जाना लेकिन हम वहाँ पर नॉर्मली एब्रॉड यूज करते हैं सेवेंटी सिक्स आए बर्न द लैम्प एट वंस तो बर्न द लैम्प नहीं होता है लाइट द लैम्प एट वंस होगा वहाँ पर बर्न की जगह लाइट का यूज करेंगे सेवेंटी सेवन में आए यहाँ पर ही मैरिड हीज डॉटर उसने अपनी बेटी की शादी की तो यहाँ पे जो मैरिड को सबसे लास्ट में करेंगे और गॉट जो है गेट का गॉट करेंगे ही गॉट हिज डॉटर मैरिड ध्यान दीजिए हमेशा ऐसे सेंटेंस आते हैं ही मैरिड हिज डॉटर का होगा ही गॉट हिज डॉटर मैरिड सचिन एंड माई सेल्फ हेल्प्ड यू सचिन और मैंने तुम्हारी मदद की तो जब सचिन है माई सेल्फ की जगह वहाँ पे आई लिखा जाएगा माई नहीं लिखा माई सेल्फ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि माई सेल्फ जो है वहाँ पे पॉजिटिव का काम करता है यहाँ पे सीधे आप नाउन यूज़ करेंगे सचिन एंड आई हेल्प्ड यू 79 में आते हैं प्लीज राइट विद इंक विद इंक नहीं होता है इन in इंक होता है प्लीज राइट इन इंक कृपया स्याही से लिखिए ध्यान दीजिएगा विद इंक नहीं ही डाइड फ्राम कोविड नाइन्टीन हेलो ही डाइड फ्राम कोविड नाइन्टीन वो कोविड नाइन्टीन से मरा डाइट जब किसी रीजन का पता चलता है जिस बीमारी से लोग मरते हैं ना तो उस बीमारी के पहले ऑफ लगाते हैं ही डाइड ऑफ कोविड नाइन्टीन एट्टी वन इन करेक्ट सेंटेंस है ही हैज़ अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज थर्स्ट ऑफ नहीं बल्कि थर्स्ट फॉर होता है ही हैज़ अ थर्स्ट फॉर नॉलेज अगला देखिए एट्टी टू है हिज सर्विस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड सर्विस नहीं सर्विस की जगह हम सर्विसेज वर्ड यूज करते हैं हिज सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड है ना? क्योंकि सर्विस में कई चीज़ें आती हैं कई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं एट्टी वन में आते हैं प्लीज़ सी द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग डिक्शनरी को सी नहीं किया जाता है डिक्शनरी को कंसल्ट किया जाता है मैं बताया बताऊँ आपको जब कोई नया वर्ड हम बनाते हैं तो उसको हम क्वाइन वर्ड यूज करते हैं और जब डिक्शनरी में उस वर्ड को डाला जाता है तो वहाँ पे कंपाइल वर्ड यूज होता है इसलिए डिक्शनरी को जो बनाता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं ठीक है प्लीज कंसल्ट द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग 84 है मोहन आस्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मोहन ने अपने नौकर से एक गिलास पानी मांगा है ना यहाँ पे आस्क जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ रहा है तो मोहन अपने नौकर से पूछेगा नहीं बल्कि नौकर को आदेश देगा तो मोहन टोल्ड हिज सर्वेंट टू तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एट्टी फाइव है आई लिव्ड इन दिस हॉस्टल फॉर थ्री ईयर्स है ना हॉस्टल में तीन साल रहना नहीं वहाँ पे रुकना होता है आई स्टेड इन दिस हॉस्टल फॉर थ्री ईयर्स मैं तीन साल इस हॉस्टल में रहा नहीं मैं तीन साल इस हॉस्टल में रुका रहा तो अपने घर में जाता है और रुकते वहाँ हैं जो आपका टेम्प्रेरी होता है तो हॉस्टल आपका परमानेंट हाउस नहीं था इसलिए वहाँ पर स्टेड होगा एट्टी सिक्स में आते हैं प्लीज़ टेल मी एवरी थिंग इन ब्रीफ कृपया मुझे संक्षेप में सब कुछ बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज टेल मी एवरी प्लीज़ टेल मी एवरी थिंग इन शॉर्ट यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा शॉर्ट वर्ड यूज होगा ठीक है अगला देखते हैं एट्टी uh, सेवन में आते हैं आई हैव लास्ट माई करेज तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव लास्ट माई करेज आई जब आ गया है तो वहाँ पे माई हिडन होगा आई हैव लास्ट करेज वहाँ पे माई हट जाएगा आपका एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो गया ठीक है अगला 88 है एट्टी एट है ही लाइक्स कटिंग जोक्स है ना कटिंग जोक्स नहीं होता है बल्कि क्रैकिंग जोक्स होता है ही लाइक्स क्रैकिंग जोक्स एट्टी नाइन में आते हैं आई सा अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट है ना मैंने रात में एक बुरा सपना देखा तो वहाँ पे हम सा नहीं लगाएंगे हेड लगा देंगे क्योंकि वो पोजीशन में आ चुका था सपना आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट नाइन्टी में आते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस है आर यू लिविंग इन लखनऊ है ना तो ऐसे जो है लिविंग जो है जब कोई हमारा स्टेटिव वर्ब या हम जो कोई चीज़ें वर्ब हमारी रुकी हुई रहती हैं उसमें हम आई नहीं लगाते हम सीधे पूछते हैं कि डू यू लिव इन लखनऊ क्या आप लखनऊ में रहते हैं और आपका सेंटेंस था कि आप लखनऊ में रह रहे हैं रह रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई मोमेंट वाली चीज़ नहीं है परमानेंट है आप वहाँ पे रह रहे हैं तो डू यू लिव इन लखनऊ अगला है एज यू लाइक शेक्सपियर का एक बहुत जाना माना जो शेक्सपियर कॉमेडी है एज यू लाइक उसके साथ इट लगता है एज यू लाइक इट इट मतलब इसको आप पसंद करते हैं जैसा कि आप इसे पसंद करते हैं एज यू लाइक इट नाइन्टी टू है आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई पोस्ट है ना तो रिज़ाइंड के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता आई हैव रिज़ाइंड माई पोस्ट भाई नाइन्टी नाइन परसेंट इसमें ना करें कि आपको कभी नौकरी से रिजाइन देना पड़े लेकिन अगर कभी दीजिए तो रिज़ाइंड के साथ फ्रॉम मत लगाइएगा ठीक है नाइन्टी थ्री है इनकरेक्ट है रिया रिजम्बल्स टू हर मदर है ना रिजम्बल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता ठीक है आप वहाँ पर रिपोर्पन हटा दीजिए हो जाएगा रिया रिजम्बल्स हर मदर रिया अपने माँ की तरीके से दिखती है माँ की तरह से लगती है 94 है यू नीड नाट टू टेल मी ऑल दिस है यू नीड नाट टू टेल मी ऑल दिस मुझे कहने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि सेंटेंस गलत है तो होगा यू नीड नाट टेल मी ऑल दिस है ना टू वहाँ से हट जाएगा यू यू नीड नाट टू टेल तो हो जाएगा यू नीड नाट टेल है ना नाट के बाद जो टू लगता था वो हट जाएगा ठीक है इन करेक्ट नाइनटी फाइव अभिषेक एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर है ना मर्डर को स्वीकार कर लेना यानी इक बालिया जुर्म जो स्वीकार करना होता है तो वहाँ पे एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्फेशन और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फेस्ट अभिषेक कॉन्फेस्ट दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर पंजाब इज अ लैंड ऑफ़ ब्रेव पीपल पंजाब बहादुर लोगों का की जमीन है आपको बताएं. जब पंजाब जो है पंच धन आब पांच नदियों से मिला हुआ है कलेक्टिव नाउन है इसके पहले हम द लगाएंगे द पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ ब्रेव पीपल और 97 है ही इज़ अ एम इन इंग्लिश अक्सर लोग यहाँ पे गलत होते हैं लोग पढ़े हैं ए आई ओ यू जितने भी हमारे स्वर हैं है ना उसके साथ हम एन का यूज करते हैं और जितने हमारे आ, कंसोनेंट हैं जो हमारे व्यंजन है उसके पहले हम ए और द का प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ उच्चारण के हिसाब से प्रोनंसिएशन के हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं जब आप एम ए बोलते हैं तो पहले ए आता है यानी वहाँ पे स्वर आता है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा जैसे कहेंगे ही स्टडीज़ इन 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 अ यूनिवर्सिटी ए ई आई ओ वहाँ पर तो यू भी आया है उसके पहले एन लगना चाहिए लेकिन वहाँ पे एन नहीं लगता है वहाँ पे ए लगता है क्योंकि उसका उच्चारण व्यंजन की तरीके से होता है यू की तरीके यूनिवर्सिटी लेकिन ही आ, ही हीज आस्किंग आ, एन अम्ब्रेला वहाँ पे भी देखिए अम्ब्रेला में यू आया था उसके पहले भी ए लगना चाहिए था यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेकिन अम्ब्रेला वहाँ पर है लेकिन उसका उच्चारण स्वर की तरीके से है तो वहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा और अ यूनिवर्सिटी होगा ठीक है ना एम पी जैसे कहते हैं ही इज एन एम पी ही इज एन एम एल ए ठीक है नाइन्टी एट पर आते हैं आल दो ही इज बैट बट बैड बट पीपल लाइक हिम जब आल दो आता है उसके साथ हमेशा येट आता है आल दो ही इज बैड येट पीपल लाइक हिम येट माने फिर भी और आल दो माने यद्यपि नाइन्टी नाइन इन करेक्ट वर्ड है सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नाट फेल मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ <coughs> माफ़ कीजिएगा लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो और लेस्ट के साथ हमेशा सुड नाम का जो है हमारा मॉडल यूज होता है वर्क हार्ड लेस्ट यू सुड फेल ठीक है अब आता है हंड्रेड में और ये हो गया हमारा शतक लग गया और ये है सुमन एज वेल एज सिमरन आर ब्यूटीफुल तो जब कभी भी एज वेल एज आए तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है होगा सुमन एज वेल एज सिमरन इज ब्यूटीफुल और यह सगुन के रूप में एक क्वेश्चन और आपका एक सौ एकवा और इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन द बुक फेल ऑन द टेबल किताब टेबल पे गिर गई बच्चों दोस्तों साथियों जब कभी मूवमेंट होता है एक्शन होता है एक्टिविटी होती है तो आन की जगह अपान होता है आन का मतलब जब कोई चीज़ अस्थाई किसी अवस्था में पड़ी हो और जब किताब गिरीती है मूवमेंट होता है तो होगा द बुक फेल अपॉन द टेबल इस तरीके से टोटल 101 एग्जांपल के माध्यम से मैंने ये सीरीज आपको समझाने की कोशिश की कि आए दिन हम जो सेंटेंस गलत बोलते हैं और ऐसे तमाम क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हम गलतियां कर देते हैं उम्मीद करता हूं कि 101 जितने भी क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें स्वागत रहेगा आपके कमेंट बॉक्स का अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनों तक जरूर भेजें ताकि मेरी जो एक तमन्ना है जो ख्वाहिश है कि हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक अच्छी अंग्रेज़ी लिख सके आपका योगदान मेरे लिए सर्वोपरि है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो एक बार फिर से मैं सूरज वर्मा आप लोगों से विदा लेने की इजाज़त चाहता हूँ जय हिंद जय